बनाना पड़ेगा। अरे ले आई ना, कुकीज आ गए ना, आंटी ने डाल दिए। बहुत गर्मी हो रही है, 46 है बाहर। बहुत। अभी एसी हमारे ऑन यहाँ किया तो था हवा हमने भी तो। बहुत तेज चलती है ना ऊपर, तो ऐसे लगता है बिल्कुल ओ, गरम लू हवा है आती है ना। ना, गरम हवा। हाँ हाँ लू चल रही है एकदम। मैं, मेरी किचन में आज फैन लग गया। अच्छा, अच्छा काम पर हो गया फैन ना। से फायदा भी तो नहीं ना, गैस पे लगता है वो। नहीं, नहीं गैस के नहीं नहीं लगाया मैंने। लगता। आंटी का कहाँ अच्छा लगता था? आंटी का कहाँ लगता था? अच्छा मेरे यहाँ आगे से लगा हुआ था ना। लगवाया, सामने की तरफ लगवाया है। नहीं, फ्रिज थोड़ा और सा जहाँ विंडो है ना उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर नहीं आएगा। जहां मैं तवा रखती हूँ ना, उस अच्छा, चूल्हे के ऊपर नहीं आ रही है हवा। हमारे यहाँ तो वो टीवी का डाइनिंग टेबल के ऊपर है ना पंखा, वो भी चला लो तो भी गैस को हवा लगती है। अच्छा, मेरे ओ तो ऊपर कवर्ड आ गई ना, तो इसलिए हवा नहीं लग रही है उस चूल्हे पे। चलिए भैया किचन में चलें। जाओ किचन में तैयारी करो। पहले आंटी अच्छी से बैठ, फोटो एक फोटो खींच लेते हैं अभी। हेलो हेलो, ले ली आंटी, हाय करना मैम। वेरी शोभना मैम आप हो कहाँ पे? वीडियो चालू नहीं किया होगा। हाँ हाँ मैंने, हाँ वीडियो चालू नहीं किए। हेलो, आप क्या ड्राइंग रूम में बैठे हो आंटी? ड्राइंग रूम में बैठी हूँ यार, किचन में बहुत गर्मी है। और इसमें फायर नहीं चाहिए ना अभी फिलहाल मेरे को। दूसरी चीज के लिए फायर चाहिए कि तो मैं किचन में चली जाऊंगी, अच्छा, ये यहीं बैठ के काम हो जाएगा। दो चीज बनवा रहे हो? अरे वो मैंने बना के देखा तो मेरे को लगा एक चीज तो फट जल्दी बन जाएगी। एक चीज खाई चॉकलेट वाली। अच्छा, चॉकलेट हाँ तो मेरे क्या? घर में को हाँ शोभा नहीं खाती चॉकलेट, नहीं खाते चॉकलेट ना तो मेरे घर इसका। में कोई नहीं खाता सबसे, मतलब मैं चॉकलेट वाली कोई चीज नहीं बना पाती, अरे पर मेरे भी कम बनता है, पर मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तुम बना सीखूंगी दो। ना तो मेरी जिठानी की बेटियां है ना घर जाती हूँ, तो मेरी भतीजियां हैं तो उनको बना के खिला देती हूँ मैं। हाँ चलो अच्छा है, कुछ तो होता है। हाँ शोभना हाँ आज बना लेना, ठीक है? नहीं चॉकलेट नहीं भी नहीं है ना मेरे पास, तो कुछ है ही नहीं अच्छा, चॉकलेट नहीं वाला सामान। तो हम तो कहते मगर होती तो इधर भिजवा देती बच्चों को। भैया हाँ के हाथ नहीं पर पहुंचा देती। हेलो भाभी, वो तो भिजवा देती, वो तो कोई नहीं, हेलो पर मेरे यहाँ तो हेलो चॉकलेट भी नहीं है। हेलो हेलो, कैटिंग सामान कितना कितना क्वांटिटी अरे किसका चाहिए? पानी वो क्या है? मैंने कहा अच्छा तो करुणा क्वांटिटी कितनी कितनी चाहिए? अभी आ रही बताएंगे लाइन पे। ना, अभी अभी बताएंगे ना सबको एक साथ। 1 मिनट बाकी है, ठहर हमारी जाओ। बिस्किट के पैकेट पे डिपेंड करेगा, छोटा लिया है बड़ा लिया है। हाँ हमने तो एक पैकेट लिया छोटा, उसके छोटे वाले के लिए। हाँ ठीक है, क्वांटिटी 10-12 के होंगे, शायद 10 होंगे आई हाँ थिंक। क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे क्योंकि तो फिर वो बच जाता है। खाने वाले भी तो हम ही तभी हैं। हाँ खाने तो में क्यों, मेरे यहाँ तो डबल बनेगा। भाभी छत के पड़ोसी भी तो हैं। अच्छा बताए, छत के पड़ोसी भी तो पड़ोसी बनाएंगे, छत के पड़ोसी भी तो बनाएंगे। भी है। छत के पड़ोसी को भी छोटा ही ला के दिया है, खुद भी छोटा ही लाई हो। ये नहीं कि पता है कैंडिडेट ज्यादा है तो ज्यादा ला के देती। तुमने एक बोला था तो एक ला दिया मैंने, तुम बोलती दो ला दो तो मैं दो ला देती। करो हाथ धो गए ना विजेता। हर हाँ साइज तुम्हारे के पैकेट होते हैं ना, पर भी बच्चे, तुम्हारे भी बच्चे, मेरे भी बच्चे। अब जो बच्चे का कोई दही दूधर सरकाएगी तेरे यहाँ फिर हाँ मेरे। सही सही है, सही है ये तो भाभी। चॉकलेट सुनाएंगे। चॉकलेट तो ये भैया और ये दोनों खा लेते हैं, इनको क्या दिक्कत है, ये काहे को सरकाएंगे इधर उधर आज। मैं करना तो बोल ही मम्मा रही नो मैम, टिकट टाइम इज ओवर नाउ। कल्पना मैम यू कैन स्टार्ट योर सेशन। हाँ शुरू करें। हाँ 1 मिनट में अभी रुक खत्म जाओ, अभी होगी। है टाइम, एक दो ठीक है मिनट मैम, और रुक चार जाओ। बज गया, 4 बज गया।
को आने देना। मैं एक मिनट म्यूट कर देती हूँ सबको, फिर आप स्टार्ट कर लीजिए। खराब ना करो तो। हेलो, हाँ एक सेकंड। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम आ रही है। हाँ बट कम आ रही है। कम यहाँ नहीं चाहिए। हेलो, हाँ अभी ठीक है। ओके, आज मैं आपको मैं कल्पना सिंघवी आशियाना ग्रीन हिल्स से और जूम पे तो पहली बार है, पर सब लोगों को देख के कॉन्फिडेंस आ गया। वैसे इतना बोलने की आदत भी नहीं मेरे को, पर ठीक है, मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ आपको। आज चॉकलेट स्विस रोल नाम दिया है इस रेसिपी को, इसमें मैं मारी बिस्किट यूज करूंगी। तो उसमें हमको चाहिए कोको पाउडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, देन कॉफी पाउडर, मैंने कॉर्नफ्लावर चाहिएगा, देन इसमें मेरे को पाउडर शुगर ले लूंगी मैं, जो पीसी हुई है मैंने अपने पास, और जमा हुआ घी लेंगी जो अभी मेरा फ्रिज में पड़ा है, मैं थोड़ा देर बाद लेके आऊंगी, पहले फर्स्ट प्रिपरेशन जो करनी है मेरे को। और मारी बिस्किट का अगर ये वाला पैकेट आपने छोटा लिया है, कई दूसरा डबल भी आता है, अगर वो लिया है तो ज्यादा क्वांटिटी लेंगे बनाने के लिए, ये अगर पैकेट लेते हैं तो इसके हिसाब से मैं क्वांटिटी अभी आपको बताती हूँ। ड्यूरिंग दिस सेशन अगर किसी के कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, इसके लिए मैं कॉर्नफ्लोर लूंगी जो मैं 3 स्पून ले रही हूँ, थोड़ा कम क्वांटिटी का है, बड़े बड़ा अगर बिस्किट का पैकेट हो तो 4 चम्मच लेना, और लेवल ये कॉर्नफ्लोर। ये 3 स्पून लेवल, कल्पना मैम बॉर्नविटा यूज कर सकते हैं क्या? क्या जी? बॉर्नविटा, बॉर्नविटा कोको पाउडर की जगह? मैम एक मिनट, मैं निकी मैम को अनम्यूट करती हूँ, उन्हीं का क्वेश्चन है। एक मिनट। हाँ हाँ, नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते जी। मैं पूछ रही थी ना कि ड्रिंकिंग चॉकलेट के जगह कैन बी यूज बॉर्नविटा? आई थिंक टेस्ट आ जाएगा शायद उससे भी। हाँ जी ओके, आप ले लो। हाँ ले लो आप जी, ठीक है, थैंक यू। अर्चना मैम आपका भी सेम क्वेश्चन था कि ड्रिंकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप बॉर्नविटा यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 टी स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, उसके बाद 2 चम्मच मैं ये कोको पाउडर ले रही हूँ, अगर ज्यादा बनाने तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा दो। फिर हमने कोको पाउडर डाल लिया, अभी ड्रिंकिंग चॉकलेट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, देन कॉफी पाउडर 1/2,
शुगर लेंगे इसमें, जितना कॉर्नफ्लोर लिया उतना, 3 टेबल स्पून। मैम अभी तक आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं एक बार आप रिपीट कर दीजिए जो अभी तक आप डाल चुके हैं। हाँ, इसमें मैंने 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 टीस्पून कोको पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर लिया है, 2 स्पून मैंने शुगर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने कॉफी लिया। ओके मैम, इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और इसको मैंने मिक्स कर लिया सबको। ये मिक्स हो गया है। इसको मैं एक ये प्लेट लिया है मैंने थोड़ा किनारी वाला, इसमें मैं निकाल दूंगी तो मेरे बिस्किट अच्छे से डिप हो सकते हैं। ये मैंने इसमें ले लिया सब। अर्चना मैम एक सेकेंड, अर्चना मैम को कुछ पूछना है, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो मैम। हाँ अर्चना जी बोलिए। हम लोग इसमें पानी की जगह दूध ऐड कर सकते हैं मैम? नहीं दूध मत करिए। ओके हाँ, पानी करिए दूध से, फिर वो जल्दी सॉगी हो जाता है बहुत ज्यादा। ओके मैम। एक मिनट करूँ ना मैम, इसमें पूछना। एक मिनट पर। हाँ करूँ ना। पूछे करना मैम। हाँ मैम। भाभी एक बार फिर से रिपीट करना, मेरा कॉफी रह गया बीच में। अच्छा अच्छा, इसमें मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया। हाँ। 2 चम्मच कोको पाउडर। ठीक है। हाँ, 1 चम्मच चॉकलेट पाउडर, 2 चम्मच शुगर। अच्छा। 1/2 चम्मच कॉफी। अच्छा। क्योंकि बिस्किट का पैकेट छोटा है इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है। अच्छा ठीक है, फिर इसमें पानी से घोल लेना है इसको, 1/2 कप पानी से। हाँ, इसको 1/2 से भी थोड़ा कम पानी लेके उसको पानी में घोल लो सब। अच्छा ठीक है, बड़ा वाला कप मत लो। हाँ नॉर्मल कप जो आता है। ये मैंने ये बन गया मेरा। इसमें मैं ये बिस्किट्स डिप कर रही हूँ। ये मैंने डिप किए हैं कुछ सेकंड्स के लिए दोनों तरफ से। हेलो। हाँ जी मैम, आपने चॉकलेट पाउडर डाला कि चॉकलेट सिरप डाला? 1 चम्मच नहीं, चॉकलेट पाउडर डाला है। अच्छा चॉकलेट पाउडर। हाँ। तो कोको पाउडर के साथ चॉकलेट पाउडर भी डालना है क्या? आपने तो कॉफी पाउडर मेंशन किया। हाँ। नहीं कॉफी भी बोली मैंने, चॉकलेट पाउडर भी बोला मैंने। ओके, तो अगर चॉकलेट पाउडर ना हो तो चॉकलेट सिरप या कॉफी पाउडर? सिरप डालो तो थोड़ा वो पानी कम डालना। ओके थैंक यू। ये मैंने बिस्किट बस कुछ सेकेंड्स के लिए डिप किए हैं, फिर आपको दिख रहा है दूसरा प्लेट? हाँ जी मैम। ये मैंने बिस्किट रखा है, ये मैं एक के ऊपर एक रखती जाऊंगी।
किसी के यहाँ से आवाजें आ रही है। हाँ मैंने बंद कर दिया। ज्यादा नहीं बिगाना, 15-20 सेकंड भीग जाए दोनों तरफ से। ये मेरे सब बिस्किट लग गए इसके ऊपर। मैं दूसरा बॉल ले रही हूँ, ये मेरा बिस्किट तैयार। इसमें मैं घी है जमा हुआ। कल्पना मैम, उससे पहले कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, सो या तो आप अभी एक बार रिपीट कर दीजिए कि अभी तक आपने सिर्फ जो जो मिक्स किया है। हाँ मैं कर देती हूँ। हाँ जी, मैंने एक बॉल में 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, 2 चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच ड्रिंकिंग चॉकलेट एंड 1/2 चम्मच कॉफी और पाउडर्ड शुगर 2 चम्मच। इन सबको मैंने आधे से थोड़ा कम पानी में मिक्स कर लिया जो ऐसा बनेगा। इसमें मैंने बिस्किट्स को डिप करके सबको एक के ऊपर एक स्टैक बना दिया। ये ठीक है, थैंक यू मैम। गीतांजलि मैम, मीनाक्षी मैम, होप आपको क्लियर है अभी। मीनाक्षी मैम, अगर ड्रिंकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप बॉर्मिटर ले सकती हैं।
ये दो टीस्पून मैंने, दो टेबलस्पून एक्चुअली घी लिया है। हम घी का कोई अल्टरनेटिव भी है या सिर्फ घी ही लेना है? इसमें घी लेना पड़ेगा एक्चुअली, थोड़ा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा कोई बटर थोड़ा या सॉल्ट, थोड़ा नहीं सॉलिड चाहिए ना थोड़ा हमको। ओके ओके ठीक है मैम। तो इस ये घी लिया, घी में मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर 2 टीस्पून, एक चम्मच ड्रिंकिंग चॉकलेट, मतलब एक चम्मच कॉफी। जया मैम बटर नहीं देना है, घी ही लेना है। कल्पना मैम बटर नहीं दे सकते ना? बटर वॉटरी हो जाएगा जल्दी, क्योंकि इसके ऊपर लगाना है हमको ये मिक्स करके पूरा चारों तरफ से कवर करना है इसको। और अगर आपके पास जमा हुआ नहीं है तो नीचे आइस रख लीजिए कटोरी के नीचे, आइस में हो जाएगा। अच्छा जो आपने इंग्रेडिएंट्स पानी वाले घोल के लिए लिए थे वही सेम इंग्रेडिएंट इसके लिए भी लिए? हाँ वो लिए है, कॉर्नफ्लावर नहीं लिया इसमें, सिर्फ मैंने कॉर्नफ्लावर की जगह मैंने सिर्फ घी लिया है। हाँ ओके, ओके। करुणा मैम पूछ रही है लास्ट में आपने क्या ऐड किया है? कॉफी ऐड किया मैम। ये देखिए ऐसा पेस्ट बन जाएगा। भावना मैम पूछिए। हेलो कल्पना मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम मुझे ये पूछना था कि इसमें मैं जैसे मेल्टेड चॉकलेट यूज कर सकती हूँ? हाँ कर लीजिए। कर सकते हैं ना? हाँ पर वो फिर ज्यादा क्वांटिटी मत डालिए नहीं तो बहुत गीला गीला हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके चारों तरफ ये देखिए लगाना है पेस्ट, पेस्ट जैसा बनना चाहिए। ओके ओके ठीक है, थैंक यू मैम। ये मैंने चारों तरफ इसके लगा रही हूं मैं। ये ऊपर लेके ना आप साइड में करेंगे तो आ जाएगा अच्छे से।
गर्मी बहुत है कि इतना जल्दी जाता है पेगा। मैम ये जो आपने घी वाला मिक्सचर बनाया है हाँ, तो इसमें आपने शुगर तो नहीं डाली ना? शुगर डाली ना 2 चम्मच। अच्छा विजेता मैम डलेगी शुगर घी वाले मिक्सचर में? हाँ मैं प्लास्टिक या मैंने मैंने क्लिंग फिल्म ली है। एक्चुअली कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। इसको मैंने इसमें रैप कर दिया। इसको मैं 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख के आती हूँ। ओके मैम। अभी किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं दूसरी चीज बताती हूँ। हम एक मिनट अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी किसी को पूछना है तो कुछ पूछ लीजिए। ये आपने डीप फ्रीजर में रखा है ना मैम कि नॉर्मल फ्रीज में? नहीं डीप फ्रीज में रखा है मैंने ताकि जल्दी हो जाए। अभी 10-15 मिनट में ठीक हो जाएगा। ओके ठीक है थैंक यू। आंटी दूसरी वाली चीज चॉकलेट की है या कुछ और है? आज चॉकलेट का ही टाइम है देने। अच्छा फिर ठीक है। मैंने कहा अगर कुछ और बना रहे हो तो मैं चलूं फिर बनाऊं। नहीं नहीं तुम मत बनाओ। आज रेस्ट कर लो मैं आप। हेलो मैम अगर डायबिटीज वाले हैं तो क्या करें? आपने मैरी बिस्किट तो ली है और साथ में इतनी सारी चॉकलेट डाल दी है, बताइए। हाँ ये अब मैंने तो ना खाए। बेसिकली बच्चों के लिए बताया है मैंने तो, ये बच्चों की बच्चों को ही ज्यादा पसंद आता है ये। अब बच्चों की जगह बच्चों की दादियों को भी पसंद आ सकता है तो दादी मंजला मैम आप मत खाना। मंजला मैम आप मत खाना। नहीं खाएंगे तो फिर मतलब मेरे देख रहे हैं बनाने का इतना यमी यमी। पोते के लिए बना लो पोते के लिए। और आप शुगर फ्री यूज कर लो। शुगर फ्री यूज कर लो। शुगर फ्री और चॉकलेट में तो ऑलरेडी शुगर होती है। मंजुला जी थोड़ा सा खा लीजिए आधा बिस्किट।
बिस्किट तो खा लेंगे नहीं, हमारे बिस्किट, हमारे बिस्किट में तो इतना शुगर नहीं होता, रोज मैरी बिस्किट ही खाते हैं। मैरी बिस्किट को किसी दूसरे रूप में भी खा लो विदाउट चॉकलेट। आप छोटा बना लो मैम। हाँ वही सोच रहे हैं कि छोटा आधे पैकेट का बना के वही खाता है। हाँ बिल्कुल खा, हाँ वो भी खा सकते हो आप। किसी को कुछ पूछना है या जितना बना है उतना दिखाना है? फ्रीजर में रख दिया अभी तो। मैम आप खाती हैं कि नहीं ये तक? नहीं नहीं मैम बिल्कुल खाती हूँ मैं। बहुत यम्मी लाओ ये तो खास तौर पे। मैम ये वही वाला है जो आप अभी रख के आए थे या कुछ पहले वाला है? डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ मैम एक मिनट मैम म्यूट कर। वेरी नाइस मैम। मैं अनम्यूट कर देती हूँ अगर किसी को कुछ पूछना है तो। मैम मेरे को दिखाना है। मैम निकल एक मैम लकी कुमारी। मैं अभी कट नहीं कट करूंगी। ये कितनी देर रखना है फ्रीजर में? आवाज नहीं जा रही। कल्पना मैम आपकी एंड से कुछ वॉइस का प्रॉब्लम है। हेलो आवाज क्लियर आ रही है मेरा? हेलो कल्पना मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम रति मैम। हाँ जी मैम। हेलो मैंने पहले से ही कुछ बना लिया था क्योंकि इसमें 2 घंटा रखना पड़ता है तो इसलिए मैं पहले से ही रेडी कर ली थी। अच्छा ओके नाइस। मैं कट करूंगी। ठीक है मैम वेरी नाइस लकी जी वेरी नाइस। थैंक यू कल्पना मैम दिख रहा है?
हाँ दिख रहा है इन्होंने एक्चुअली वो आपने मारी बिस्किट को पाउडर करके किया है ना? यस मैम। हाँ फ्रीजर में कितनी देर रखना है? हाँ फ्रीजर में कितनी देर रखना है? 15-20 मिनट। अच्छा 15-20 मिनट में, तो अभी तो पड़े रहने देना पड़ेगा फिर इसका मतलब? हाँ वही कह रही हूँ, आपका हुआ नहीं होगा, अभी रहने तो थोड़ी देर उसमें फ्रिज में, नहीं तो बिखर जाएगा वो। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैम, आप अपनी नेक्स्ट रेसिपी आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ चलो दूसरा दे लो रहने, इसी में सजा लेते ये वाला छोटा लकड़ी छोटा प्लेट इसको साइड करेंगे। मैं दूसरी चीज आपको, मेरी आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी मैम आ रही है। हाँ ठीक है, मैं किचन में आ गई हूँ अभी थोड़ा, तो क्योंकि मेरे को गैस की जरूरत बनाना सिखा रही हूँ, घर में बच्चों को बना के दे सकते हैं आप लोग, तो इसके लिए मैंने ये मिल्क पाउडर है, तो मिल्क पाउडर मैं ले रही हूँ। पहले मैं शुगर बनी कर देती हूँ, ये मैंने आधा कप शुगर लिया है। वन फोर्थ कप पानी इसको मैंने डाल दिया इसमें शुगर में, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। ये एकदम थिक चाशनी बना दी है अपने को, जैसे दो तार की होती है उस हिसाब से। अब मैंने मैम इसमें आपने कौन सी शुगर ली है, पाउडर शुगर या नॉर्मल शुगर? नहीं नॉर्मल शुगर, क्योंकि हम हमको वो चाशनी बनानी है उससे। अच्छा ओके। अब मैं ये मिल्क पाउडर है एवरीडे का, ये मैं ले रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, I think 6 spoon इसमें मैं 2 चम्मच कोको पाउडर। और मैम आपने शुगर कितना लिया था, हाफ कप ना? मैंने हाफ कप लिया शुगर, 1/4 कप लिया पानी। ओके मैंने उसको मैं चाशनी बनाने के लिए रख दिया है, और ये मैंने 6 स्पून लिया मिल्क पाउडर और 2 स्पून लिया कोको पाउडर। उसको मैं छान रही हूँ। मैम अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई अल्टरनेटिव है? मिल्क पाउडर का तो अल्टरनेटिव नहीं है कोई भी। ओके कोई नहीं, चाहना मैम बाद में बना लेना। इसमें हमको मिल्क पाउडर और कोको पाउडर दो ही चीजें चाहिए, और शुगर बस, और ड्राई फ्रूट्स जो मैंने थोड़े रोस्ट करके थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ये क्या है? ड्राई फ्रूट बादाम एंड काजू, हल्का सा रोस्ट कर लिया है बस उनको, थोड़ा पाउडर के रोस्ट को क्रश कर दिया है। के लिए थोड़ा बटर भी चाहिए रूम टेम्परेचर पे, या तो व्हाइट बटर हो या अमूल बटर भी ले सकते हैं, कोई भी बटर। ये
मैम बटर की जगह घी ले सकते हैं? किसकी जगह? बटर की जगह पे घी ले सकते हैं? घी मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ओके अर्चना मैम आप देख लो, कोई भी घर का मक्खन हो या अमूल बटर हो कोई भी ले लीजिए, उसका रूम टेम्परेचर पहले आइए उसको बस। हो रही है, 2 मिनट लगेगा चाशनी बनने में। और मैम इसमें आपने जो पाउडर वाले इसमें जो मिक्स किया आप एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या जी? जो आपने पाउडर बनाया ना ये कोको पाउडर का एंड मिल्क पाउडर का, हाँ तो ये आप एक बार रिपीट कर दीजिए कितना कितना लिया। ये मैंने 6 टीस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया था, 2 टीस्पून मैंने कोको पाउडर लिया था बस। ओके। और कुछ नहीं डलता इसमें। ठीक है मैम। मिट्टी ठीक होगी कि वो बह ही नहीं, इधर डालेंगे अभी भी। अभी ये रेडी हो गया। कविता मैम इन्होंने 6 टीस्पून मिल्क पाउडर लिया और उसमें 2 चम्मच पाउडर कोको पाउडर डाला, राइट कल्पना मैम? हाँ बिल्कुल। ये हमारी तैयार हो गई है, एकदम थिक थिक बनानी है ये, देखिए इसको बंद कर देंगे हम गैस को। इसमें मैं
एक चम्मच बटर डाल रही हूँ, एक टीस्पून। पूनम जी पूछिए क्या पूछना है, कुछ पूछना है? हाँ पूनम जी को कुछ पूछना है। मैंने चाशनी में एक चम्मच बटर डाला अभी। पूनम मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो पूछिए मैम। हाँ जी मैम। तो मैं ये जो हाँ जी बोलिए, ये क्या बना रहे हो आप? मिल्क पाउडर से मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट, अच्छा ठीक है। चाशनी में मैंने बटर डाला एक चम्मच, उसके बाद मैंने ये कोको पाउडर और मिल्क पाउडर जो छाना था वो डाल दिया, इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। मैम मैम मुझे ये पूछना था कि चाशनी जो वो एक तार की बनानी है या मतलब स्ट्रिंग्स रहने चाहिए या? एक तार की नहीं, दो तार की। अच्छा दो तार की चाशनी बनानी है। ठीक है ठीक है मैम। चाशनी थोड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि थिक हो गई और ज्यादा, तो दो तार के बनाइए, एकदम बंद करिए, तो समोसे में बटर डालिए, फिर उसको थाली में हम ग्रीस करके और जमा देंगे, उसमें ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। फिर उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा करके उसको अपने पसंद के टुकड़ों में काट लीजिए। जैसे ये मैंने बनाया, ये मैंने चॉकलेट बनाया। एक मिनट मैम मैं फोटो क्लिक कर लेती हूँ। ऐसे ले ली? नहीं आपको भी आना होगा ना। अच्छा डन मैम। अभी किसी को पूछना है तो पूछ ले कोई। हाँ जी आंटी। हाँ जो ये चाशनी में हल्का सा मक्खन डाल के फिर उसको चला के प्लेट में घी लगा के ऑयल कर थोड़ा सा चिकनाई लगा के डाले ना पेस्ट को। हल्का सा, हाँ हल्का सा घी लगा लो प्लेट पे। हाँ जी और जमा दो। फ्रिज में रख दे या बाहर ही रखिए? रहने दे, ठंडा होने पर बाहर भी जम जाएगा। फ्रिज में रखना तो फ्रिज में रख दो भले ही। ठीक है ठीक। हाँ और ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के डाल लो, जो भी पसंद है आपको। जी है वो मिक्स करके डालना, सब डालना। अच्छा डालना, मक्खन डाल दिया। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हेलो सना। हाँ जी हम चाशनी कितनी चीनी और कितना पानी लिया है? जितना चीनी ले, जितना चीनी लेते हैं ना उसका आधा पानी लेते हैं। ओके मैम थैंक यू।
मैम अगर इसमें हम कोको पाउडर ना डाले तो हम अपनी व्हाइट चॉकलेट भी बना सकते हैं इसी तरीके से ना। हाँ व्हाइट चॉकलेट बना सकते हैं आप, है ना, अगर कोको पाउडर ऐड ना करें बाई चांस तो। हाँ है ना भाई, नाइस सेशन, थैंक यू। दिखाइए बबीता मैम। हाँ दिखाइए। मैम नहीं दिख रहा थोड़ा। हाँ अरे वाह, ये वो वैसे अलग तरीके से बनाया है ये। हाँ किस रोल है? हाँ आपने अलग तरीके से बनाया है ये। हाँ मैंने व्हाइट क्रीम में नारियल रख के बनाया है। हाँ मैम मेरा भी दिखला दीजिएगा मैम। चॉकलेट अभी बन रही, दिखा रही हूँ अभी। थैंक यू। ये सुपर मॉम लकी का है। चंदना का भी देखता। हाँ परफेक्ट। मैं नहीं बनाई, बस मिल्क पाउडर नहीं था तो सेकंड नहीं बना पाई। एक्चुअली यही मैंने सिखाया है, बाकी सबने वो गोल गोल वाले बनाया ना, वो स्विस वो अलग तरीके से बनते हैं। आई फॉलोड यू। हाँ मतलब मेरे बेटा भी कुछ सिखाना चाहता है। क्या बात है, ऊपर करो और थोड़ा ऊपर करो। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ बच्चों को खा के बताएंगे कैसे बनाओ। कल्पना मैम मैं भी बनाऊंगी अभी, एक्चुअली मैरी गोल्ड नहीं था इसलिए। मेरे में लाइंस नहीं आ रही। लाइंस क्यों नहीं आ रही? क्यों आपने डिप नहीं किया था क्या बिस्किट को? किया था डिप, किया था पर लाइन नहीं आ रही। तो फिर तो आएगी, लाइन आनी चाहिए। और किसको दिखाना है? हाँ रति मैम मेरी चॉकलेट दिखला दीजिए। आंटी मेरा ना अंदर से बिस्किट ही है, मतलब थोड़ा सा ना ऐसे प्रॉपर नहीं आ रहा, जैसे आपका कट के आ रहा है ना वैसा नहीं आ रहा। हाँ मेरा भी नहीं आ रहा मैम। दिखाइए जिनका नहीं आ रहा। ये वाला देखिए एक बार दिखाओ मैम। नाम बताइए। मेरा भी दिखाना भी करूँ मैम। बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। आया है, आ रहा है ना? हाँ थोड़ा सा नीचे से ना आंटी, देखिए पाउडरी होके गिर रहा है। देखिए ये वाला ना जैसे नीचे आपने से अच्छे से दिखाया नहीं होगा। हाँ शायद नहीं किया अच्छे से। आपने फ्रीजर में भी थोड़ा कम रखा क्या? पानी की क्वांटिटी कम रह गई मैम, इसके मेरे को ऐसा लग रहा है शायद। इसलिए वो बिखर रहा है। हाँ, थोड़ा सा ना बिस्किट आ रहा है उसके अंदर ना इसीलिए। एक्चुअली 15-20 सेकंड डिप कर रहा हूँ, वो भीगना चाहिए उसमें बिस्किट। अच्छा लेकिन बना तो ठीक है, शेप तो वैसे ही आया है ना जैसे आपका वैसा आ रहा है लाइनिंग वाला। थैंक यू। और किसका दिखाना था जिनका ठीक से नहीं आ रहा है? मेरा करुणा दिखाना मैम, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ कर रही हूँ। ये देखो ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा ठीक से। आपके तो व्हाइट व्हाइट ही अंदर। हाँ व्हाइट व्हाइट ही है, वही तो कह रही हूँ बिल्कुल। सीधा काट दिया क्या? फिर कैसे काटना था? सीधा सीधा ही तो काटना था। नहीं हल्का सा टेढ़ा करके। अच्छा टेढ़ा करके काटना था क्या? हाँ अच्छा मैं तो सीधा सीधा काट दिया। इसीलिए वो बिस्किट अलग हो गए बीच से। हाँ वो मुझे पता नहीं था टेढ़ा काटना है। न्यू डिजाइन है मैम। ठीक है टेस्ट वही आएगा, खा लेना। ठीक है ठीक है। मेरा चॉकलेट भी मैंने खरीदी है। दिखाइए मीनाक्षी मैम। दोनों चीजें दिखा दीजिए। ये चॉकलेट आके बताइएगा कैसा बना है। हाँ मैम देखिए लेके खड़ा है ना खाने के लिए। पसंद आएगा तो आप घर पे बना के दे सकते हो बच्चों को। अब
जी मैम, मुझे भी दिखाना है रति। कविता मैम एक मिनट, कविता मैम दिखाइए। ठीक है मैं दिखा रही हूं मैम। हाँ जी मैम दिखा रही हूँ। ये चॉकलेट है साइड वाला। ये एक्चुअली जैसा मैंने बताया वैसा नहीं बनाया ना, राउंड राउंड नहीं, मेरा गोल, मैंने गोल गोल काट दिया उसको, वैसे ही बनाया है, गोल कटिंग किया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्क्वायर नहीं किया, थोड़ा सा बनाया था मैंने, ज्यादा कोई खाने वाला नहीं मेरे घर में और बिस्किट मेरे पास कम था, इसीलिए मैंने रोल करके वैसे बनाया फिर। अच्छा अच्छा है, वो ये किसका है? शिखा मैम का। वाह बहुत सुंदर है ना। हां ये बहुत अच्छा है, थैंक यू, एकदम परफेक्ट, थैंक यू भाभी। शिखा बहुत अच्छा बनाया तुम्हारा, दिखा रहा हूं मैम, बहुत अच्छा बनाया। अरे वाह, स्क्वायर कैसे हो गए, रेक्टेंगल कैसे हो गए? इन्होंने ऐसे लंबे में काटा होगा शायद। हाँ ऐसे काट लिया लंबा। लंबे में काट, बट अच्छा लग रहा है ये भी, ठीक है। पार्ले जी बिस्किट का है, पार्ले जी बिस्किट का है। ओ अच्छा अच्छा, पार्ले रेक्टेंगल होते हैं ना। यस यस, अच्छा क्योंकि मैं भी दोनों मिला के बनाई इसीलिए पता है मुझे। नहीं नहीं अच्छा बना है। कल्पना मैम, हाँ कविता मैम एक मिनट, मुझे दिखाई दे। हेलो कल्पना मैम। नो, हाँ आपने उस दिन मेरा हेल्प किया, बहुत थैंक यू आपको, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी कुछ देर के लिए, आपने संभाला था, थैंक यू वेरी मच। ओके वेलकम। अरे वाह बहुत सारा बनाया आपने तो। अच्छी बनी है। हाँ हाँ, और ये चॉकलेट। अरे वाह दोनों चीज बना ली, वाह क्या बात है। दोनों बना ली, नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छी चीज सिखाई आपने आज। मेरा दिखाओ, मेरा एक बार मेरा दिखाना रति, बहुत अच्छा मैम कविता। रति रति एक बार मेरा, करुणा गोयल। हाँ जी मैम, मैंने दोबारा देखो देखो एक मिनट भाभी, देखो दिखाओ दिखाओ, अच्छा काटा है मैंने। हाँ अब सही है करुणा, अब सही है, सही है भाभी, सही है। हाँ तिरछा काटा मैंने, मैंने सीधा सीधा काट दिया था। हाँ वो मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने तिरछा काटा ना, इसलिए आ नहीं रहा था, अब सही हो गया। और किसका दिखाना है? कल्पना जी बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, मेरे भी बच्चे जब छोटे थे तो बहुत बनाती थी ये। आंटी मैं अभी बनाऊंगी। अरे ठीक है, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो अब बनाऊंगी। कोई बात नहीं निशा, बना लेना शाम तक, बनाऊंगी भाभी, दोनों चॉकलेट के लिए लड़ते रहते हैं। बिल्कुल अच्छा लगा बच्चे के लिए। वाह छवि, इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा ना। ऋषि छवि चालू हो गए। अच्छा लग रहा है देख के भाभी, इसको फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा, फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा क्या? हाँ फ्रिज में रखना पड़ेगा। हाँ क्योंकि चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी ना। हाँ पिघल रहा है। हाँ और घी भी होता है तो मेल्ट हो जाता है वो। मेरा बेटा तो ठंडी नहीं होने देगा, चॉकलेट लगा रहे खड़े हो आज बच्चों के लिए ना। मेरा भी तैयार हो गया है, मेरा भी दिखा दीजिए रति जी। एक मिनट रखना मैम, मैम वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी हाँ जी, देखे अंतिम। वाओ अच्छा बना है, अच्छा बना है। और ये चॉकलेट वेरी गुड, खा के पता चलेगा अच्छा बनाया कि बेकार, अर्चना तेरा तो अच्छा बनाया, मैंने खा लिया, आंटी को पहुंचा दूंगी। देखने से तो अच्छा लग रहा है, खा के पता चलेगा हमें।
भाभी बुक कर लीजिए एडवांस में, एडवांस में बुक कर लीजिए, आज बुक कराना है। नहीं मैं बनाऊंगी ना, बुकिंग हो गई। अर्चना ऑर्डर लेके बना रही क्या? आंटी ऑर्डर पास हो गया, आपने क्या पास कर दिया तो ऑर्डर मिली जाएंगे। हाँ ये बात सही है आंटी, ऑनलाइन का फायदा हो गया हमें। हाँ बिल्कुल, क्या आपने आज ऑनलाइन में कुकिंग का सेशन लिया? वैसे आप कभी नहीं लिया, वैसे कभी नहीं लिया कुकिंग का। ये चीज आपने तब ने सिखाई हमें। हाँ ये आप सिखा दी, मेरी बहुत पुरानी रेसिपी है, ये मेरी बहुत पुरानी रेसिपी है। जब मेरे बच्चे, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तब की है। नहीं अच्छा है, चलो इस बार ने कुकिंग भी आगे दे देख ली आपकी हमने। हाँ नहीं बाकी सारे टैलेंट देख लिए थे, एक ये रह गया था थोड़ा सा। आंटी मिल्क चॉकलेट वाला बहुत टेस्टी बना है, सही बना? मैंने भी खाया ना। हाँ चॉकलेट वाला टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा है, अभी मैंने फ्रिज में रख दिया, थोड़ा सॉफ्ट था। हाँ ठीक है, फ्रिज में रख दो ठीक हो जाएगा थोड़ा। हाँ जी हाँ जी। हाँ कल्पना मैम। हाँ जी, मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी लेकिन जब मुझे पता लगा ना कि घी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। घी की जगह बटर यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं वैसे तो, बटर पानी छोड़ देता है जल्दी। बटर करके देख लो, कर सकते हैं बटर, कर सकते हैं, कर सकते हैं बटर। हाँ मैंने बटर डाल के ही बनाया है। हाँ बटर कर सकते हैं, और बटर नहीं भी करना है रति, बटर नहीं भी करना है ना, बटर और वो घी नहीं करना, तो आप ऊपर की लेयर मत करो। कल्पना मैम ऊपर की लेयर मत करो, उसको वैसे ही लैप करके काट लो, तो थोड़ा आपको क्या टेस्ट तो आ जाएगा, पर वो थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है ना, तो वो नहीं, ऊपर वाली लेयर कम हल्की कर लो। नहीं नहीं डाइट कॉन्शियस पर्पस से नहीं, मैं वैसे ही नहीं खाती। चॉकलेट स्प्रेड नहीं कर सकते क्या? क्या मैम? चॉकलेट स्प्रेड नहीं कर सकते क्या उस जगह पे? हाँ कर सकते हैं मेल्ट करके, ये तो मेल्ट ही रहता है, इसे तो कर ही सकते ना। चॉकलेट का पेस्ट बोल रहे हो आप? चॉकलेट का पेस्ट? हाँ चॉकलेट का पेस्ट, हाँ कर सकते हैं। ठीक है चलो, पर वो जम जाता है क्या फ्रिज में? हाँ जम जाता है, इसे तो केक पे भी मैं लगाती हूँ। अच्छा अच्छा आगे होंगे आप लोग जिन्होंने बनाया वो हाथ से लो, मैं टिक टिक कर लेती हूँ। वेरी नाइस सेशन मैम, थैंक यू। कोई नहीं चंदा, मैं एक बचा के रखता हूँ उनके फोटो के लिए। बच्चों की पसंद की चीज तो बच्चे इतनी जल्दी खत्म कर लेते हैं ना खा के, उनको लगता है जल्दी जल्दी खाओ। मैं बच्चे नहीं, चॉकलेट तो बड़े भी खाते हैं। मेरे पास बच्चे नहीं है, यही लास्ट है। मैं आपका कहा है ग्रीन हिल से, किसी को खाना है तो मेरे से ले जाना। अर्चना मैम आपने बनाया है, कहाँ है आपका? अच्छा दिखाती हूँ। मेरे सिस्टर ने लगा के रख दिया था दोबारा। नहीं नहीं सब लोग लेके खड़े हैं, आते हैं, आपका नहीं दिख रहा था मुझे। नहीं चंदा जी तो खा रही है। नहीं मेरा यही पिज्जा है बस, यही सिंगल जी मिला ले। हाँ ठीक है, सब बच्चे फिनिश कर दिए। ओहो Thank you so much, Kalpana ma'am.